पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी, कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो, समर कूल कूलर जो हर दिल करे कबूल समर कूल, और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी खुद ने टेकेगा। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ, स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति कला योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आज की पंचायत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है MDH, मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच MDH और गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। इतिहास रचने जा रहा है और आज एक तरीके से जो फॉर्मेलिटीज थी, औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। एनडीए घटक दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया और उसके बाद अब से कुछ ही देर पहले एनडीए के सभी दलों ने अपना समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंप दिया और कुछ ही देर बाद जब शो खत्म हो रहा होगा लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन भी जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक घटनाक्रम चलते रहे। सुबह एनडीए की सभी सांसदों की संसदीय दल की बैठक हुई, सर्वसम्मति से नेता चुना गया और उसके बाद आज एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने वो वार किए जिसका सबको इंतजार था। विपक्ष को लेकर प्रधानमंत्री ने बताया 2 दिन से चुप्पी साधी थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक एक कर जवाब दिया उन सभी बातों का जिनके बारे में लगातार प्रधानमंत्री पर हमला बोलने की विपक्ष की कोशिश थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह से देश में लग रहा है कि नतीजे हमारे खिलाफ आए हैं, लेकिन हम ना हारे थे ना हारे हैं और इसी संकल्प के साथ हम अब आगे भी देश की जनता के लिए काम करते रहेंगे। ये किसी की नहीं बल्कि मोदी की गारंटी है। तो आज जो प्रधानमंत्री की बड़ी बातें रही उन पर भी चर्चा करेंगे और उसके बाद जब विपक्ष की तरफ से बोलने की कोशिश हुई तो जवाब क्या था, जरा उस पर भी सवाल खड़े करेंगे कि आखिर जब जनता का समर्थन बहुमत मिल चुका है, 303 का आंकड़ा पार हो चुका है, तो फिर
किस चीज की आस लगाए आखिर विपक्ष बैठा हुआ है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खास तस्वीरें और बयान देखते हैं जिसकी वजह से आज चर्चा में रहा। एनडीए का महाविजय है और आपने देखा दो दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। हम लोग चार दिन के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली दी। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल इसको जुलूस निकाले। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। अंडर योर गाइडेंस अंडर योर सपोर्ट वी आर एबल टू स्वीप द पोल्स। We got 91% victory there. We got completely in legislature. We had 91% success. It's all because of your guidance. ये एक तिहाई प्रधानमंत्री नरेंद्र, नायडू और नीतीश। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। 10 वर्ष हमने काम किया है, वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। तो कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों के समान होती है, और आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संविधान के आगे नतमस्तक वो हुए और संविधान भवन जिसको नाम दिया गया है पुरानी संसद में, उसी जगह पर जो कि पहले सेंट्रल हॉल हुआ करता था, वहीं पर आज एनडीए के घटक दलों की, उनके संसदीय दल की ये बैठक हुई। संविधान को हाथ में ले लेकर, संविधान की एक छोटी कॉपी हाथ में ले लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोलने की कोशिश की थी, लेकिन आज जब पहले प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने संसद भवन जब उन्होंने एंटर किया था तो उन्होंने सीढ़ियों पर नतमस्तक हुए थे वो, और आज हमने देखा कि संविधान को उन्होंने एक तरीके से पूरी तरह से प्रणाम किया। जाहिर तौर पर वो विपक्ष जो इसको लेकर सवाल खड़े करता था उनको भी जवाब मिल गया होगा, और नीतीश कुमार जो आज लगातार पूरे फॉर्म में थे, उन्होंने एक एक कर विपक्ष जो कि एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहा था, जेडीयू को लेकर सवाल कर रहा था, उन सब पर भी निशाना साधा और जवाब दिए। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं, मैं परिचय जरा एक एक करके खास मेहमानों का कराना चाहती हूं आपके साथ। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे साथ दीपक झा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, और हमारे साथ तारिक खान जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कुछ ही समय में हमारे साथ बीजेपी और जेडीयू की तरफ से भी नेता जुड़ेंगे, लेकिन दीपक झा जी, जवाब मिल गया होगा, एक एक कर आज प्रधानमंत्री ने उन सब सवालों का जवाब दे दिया जिसको लेकर आप निशाना साध रहे थे। पहला सवाल
ईवीएम, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल थे, चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल थे, मेजॉरिटी को लेकर लगातार सवाल थे, सबका जवाब मिल गया। सबका जवाब देना भी चाहिए देश के प्रधानमंत्री हैं तो, है ना। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी मंचों पे जा जाके, रैलियों में जा जाके नारे लगाते थे 400 पार करा देना भाइयों और बहनों, नहीं तो बाबरी मस्जिद में ताल, राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कौन सी भाषा बोल रहे थे, ये क्यों बोल रहे थे ऐसा देश में? अब 400 पार नहीं हुआ तो क्या बाबरी ताला लगेगा देश में, राम मंदिर में? नरेंद्र मोदी जी ने देश में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया था? मुजरा मीट मटन की बात करते हैं, आज की बात करिए, आज की बात करिए दीपक जी, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार बनने में एक दिन बाकी है, शपथ लेने में, तो आज की बात करिए ना, आज जो अटैक किया प्रधानमंत्री ने और जवाब दिए हैं उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? आप आज की बात कर रही हैं, ईवीएम आज की बात है, ईवीएम पे सवाल उठाया गया तो उठाया गया, आगे भी उठाएंगे अगर मौका आएगा तो, गलत होगा तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। इसका मतलब नहीं कि चोर एक दिन चोरी ना करे तो हेरा फेरी का उसका नाम नहीं रखेंगे। कभी कभी हो जाता है इनसे गलती, इनको उम्मीद थी कि हमारे काम पे, हमारे नाम पे 400 सीटें आ जाएंगी, तो इस उम्मीद से ईवीएम पर अभी भी सवाल है, ईवीएम पर अभी भी सवाल है। देखिए, नियत और नीति पे, ईवीएम अपने आप तो चलती नहीं है, ईवीएम को चलाता कौन है? चुनाव आयोग चलाता है, वो संस्थाएं चलाती है, वो लोग मैनेज करते हैं, प्रधानमंत्री जी मैनेज करवाते हैं। अगर ये मैनेज तो आप लोगों ने चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया इस बार ना, आप लोगों ने मैनेज किया था, इतनी सीटें कैसे आ गई? जनता ने सुनिए, अब आप मुद्दा है पूछे ना कि 240 सीटें आ गई है मोदी जी की, तो क्या राम मंदिर पे बाबरी ताला लगने वाला है क्या? नरेंद्र मोदी जी जवाब दो, नरेंद्र मोदी जी, आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट अभी दिया दीपक झा, आपने कहा कि चुनाव आयोग मैनेज करता है ईवीएम और ईवीएम को किसके हाथ में रखा जाता है। अब आपके हाथ में इतनी सीटें आई हैं, 99 सीटें कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर के जीत का एक तरीके से जश्न भी मनाया गया, इतनी सीटें क्या ईवीएम को मैनेज करके आई हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ सीधे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं कर रही हैं। अरे भाई, फिर भाई आप रोज एक ही बात करते हो दीपक झा, रोज एक ही बात करते हो, कभी तो आगे बढ़ो आप अपनी बात में, कभी कल भी यही बोले, परसों भी यही बोले, रोज एक ही बात। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब है या नहीं है, आप ये बताओ, किससे करते हैं किससे नहीं? चुनाव में देखा था 82 से ज्यादा इंटरव्यू दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर आप कहते हो सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे? हमारे अरे भाई, राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे? ऐसे ना रनिंग कमेंट्री मत किया करो आप हवा में, आप रनिंग कमेंट्री नहीं, अब आप सुन लीजिए फिर ना। चमचे और चमचियों को इंटरव्यू दिए थे नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी ने अपने चमचे चमचियों को दिए या नहीं दिए? क्यों नहीं दिया? सुनिए, आपकी पार्टी में चमचे खत्म हो चुके हैं क्या? वो चमचे और वो चमचे कहाँ से आते हैं इंटरव्यू लेने? मोदी जी, आपके चेहरे का मेकअप कैसे नहीं खराब होता? आपके चेहरे पे चमक कैसे बरकरार रहती है? आप सुबह उठते तो गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं? मोदी जी, आप देश का सवाल क्यों नहीं सुनते? रेनकोट पहन के जाते हैं क्या? ये है मोदी जी का असली चेहरा। तो चमचे और चमची जो वो चमचे और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आप किचन में जाती है या नहीं जाती? वो चमचे और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आपको इटालियन खाना पसंद है या भारतीय खाना पसंद है? वो चमचे और चमचियां कहाँ गए जिन्होंने पूछा था सोनिया गांधी से की आपको साड़ी पहनना किसने सिखाया? अरे भाई, कहाँ है वो चमचे और चमचियां? चमचे चमची कहाँ है? वो कहाँ चले गए? खो गए वो? कहाँ चले गए बताइए ना? कहाँ चले गए आप बताइए? चमचे कहाँ चले गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था ये सब? आंकड़े बता रहे हैं वो चमचे आएंगे पप्पा के? अरे कहाँ है वो चमचे? आ रही है वो चमचे कहाँ है? रुकवा दिया तो जरा नरेंद्र मोदी जी से सवाल करिए, वो चमचे कहाँ है दीपक झा? बताइए क्या अब आपको 400 सीटें? वो चमचे कहाँ है जिन्होंने साड़ी के बारे में पूछा था सोनिया गांधी से, भारतीय साड़ी कैसे पहननी आती है आपको, ये वो चमचा कहाँ है? वो पूछ लीजिए ना, पत्रकारिता का काम आपका है, पत्रकारिता का काम हमारा काम तो पत्रकारिता का है, लेकिन आपका काम चमचे चमचियां सबको कहना है ना, तो वो चमचे कहाँ गए जो पूछते थे? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उन चमचों से पूछे तो वो चमचे थे ना? मोदी जी को वो चमचे थे क्या सोनिया गांधी के या कांग्रेस पार्टी के जो ये पूछते थे सवाल? मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी, अरे वो चमचे कहाँ है? सीधा जवाब दो ना आप, कहाँ है वो चमचे इस बार? कहाँ गए शिफ्ट हो गए वो तो चमचे? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चैनलों पे शिफ्ट हो गए, कुछ की नौकरी चली जाएगी अगर सोनिया गांधी सवाल कर लेकर आओ तो। वो डरपोक चमचे थे मतलब?
आजकल के चमचे डरपोक नहीं है, उस समय के चमचे डरपोक थे, इसलिए उनको अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। वाह, नरेंद्र मोदी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। कल ही राहुल गांधी को एक रिपोर्टर ने बता दिया था कि कैसे सवाल का जवाब देना चाहिए, इसलिए वो बहुत ट्रोल हुए कल से अब तक। इसलिए जरा आप मुद्दे पर आइए और सवाल का जवाब। आपको मैं बता रहा हूँ रीमा जी, जरा सवाल करिए ना नरेंद्र मोदी जी से। ये जो स्कैम हुआ है शेयर बाजार का स्कैम, एक दिन में 30 लाख करोड़ रुपए घोटाला किया है भाजपा सरकार ने। देश का पहला प्रधानमंत्री है, देश का पहला गृह मंत्री है जो कह रहे शेयर में जाके शेयर बाजार में शेयर खरीदो। पहले वित्त मंत्री है जो कह रहे शेयर मार्केट से शेयर खरीदिए। ऐसा कोई दलाली करने आता है क्या? देश की जनता ने इनको शेयर मार्केट का हाल क्या है जरा बताइए। अरे एक मिनट रुको दीपक जी, शेयर दलाल इनको नहीं चुरा ना। आज सुबह से शेयर मार्केट में उछाल आया या गिरावट आई है ये बताइए मुझे। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों उछाल आज क्या हुआ? असामान्य उछाल आज शेयर मार्केट को क्या हुआ है वो बताइए। अरे आप रीमा जी, आज शेयर मार्केट को क्या हुआ है वो तो बताइए। सरकार को सरकार, अरे भाई आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, आज शेयर कहाँ पहुंचे हैं वो बताइए मुझे। शेयर मार्केट आज छोले खा रहा है या स्थिर है? ना 30 लाख करोड़ उन 5 करोड़ निवेशकों को एक दिक्कत ये है, लिखी लिखाई 4 बातें दे दी जाती है पर्चे के तौर पर पूरे शो में, उसी को रट्टा 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 करके हर सवाल के जवाब में वही बोलना होता है, ये तरीका तो थोड़ी ना ठीक है। शेयर मार्केट पर सवाल पूछ रही हूँ तो आप 3 दिन पुराना शेयर मार्केट का मुझे हाल बता रहे हैं? आज की बात कीजिए ना, किस चुनाव की बात कर रही हूँ तो आप 10 साल पुराने चुनाव की मुझे बात बता रहे हैं? अपडेटेड ही नहीं रहते हैं, क्या बात है दीपक जी? अरे क्या अपडेट आपके हिसाब से 99 सीटें आई है आपकी इस बार? 99 सीटें आ गई इस बार? बहुत सवाल हो गए आपके। अब सुन लीजिए, 4000 पॉइंट पहले मार्केट गिराओगे, फिर 500 पॉइंट ऊपर उठाओगे, फिर 1500 ऊपर उठाओगे, तो इस शेयर बाजार के जो दलाल बैठे हुए हैं ना देश में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, जो कहते हैं जनता को कहते हैं हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप जाके शेयर बाजार में ट्रेडिंग करो, तो शेयर बाजार में जो दलाली करवाते हैं लोग, इनको कहां से ज्ञान आता है कि जनता को दलाली करवाओ? आज का अपडेट क्या है शेयर मार्केट का? आज का अपडेट क्या है शेयर मार्केट का? 1500 पॉइंट ऊपर गया है, बताया तो 1500 पॉइंट ऊपर गया है आज का अपडेट। इस शेयर चलो शिवम त्यागी जुड़ गए, शिवम त्यागी आपकी बात सुन ली होगी उन्होंने। शिवम त्यागी एक मिनट, दीपक झा जी 1500 पॉइंट ऊपर गया। अच्छा शिवम त्यागी एक सवाल, ईवीएम पर अभी भी दोष है, चुनाव आयोग पर अभी भी दोष है, दीपक झा ने साफ कर दिया है हम अपने स्टैंड पर कायम है, अभी भी चुनाव आयोग पर उनका हमला जारी है। दूसरी तरफ शेयर मार्केट को लेकर जो बात कल राहुल गांधी ने कही थी उस पर दीपक झा आज भी कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको अपडेट दे रही हूँ क्योंकि आपके आने से पहले उन्होंने कहा कि जो चमचे चमचियां हैं वो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछते हैं, और जो पहले के चमचे चमचियां थे जिन्होंने सोनिया गांधी से उनकी साड़ी का कलर, साड़ी कैसे पहननी आती है, भारतीय खाना कैसे बनाना आता है, उन चमचे चमचियों को आप डरा कर रखते हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए इस बार उन चमचे चमचियों ने राहुल गांधी से इंटरव्यू नहीं लिया। अब जवाब दीजिए इसका। रीमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, थैंक यू। देखिए मैं तो पिछले 5 मिनट से बार बार सुन रहा था कि चमचे चमची चमचे चमची चमचे चमची चमचे चमची, यही सब हो रहा था। चुनाव हो गया, जितनी हंसी खुशी करनी थी इन चमचे चमचियों को इन्होंने कर ली, अब हो गई हो पूरी तो आ जाओ भैया, हमारे घर में बड़ी कमी है इनकी, चलो अपने काम पे लग जाओ, हो गया तुम्हारा हंसी मजाक और ये सब जो है, जितना खुशी मनानी थी मना ली, जितनी खुशी मनानी थी। कल शपथ हो रही है, शपथ में अगर कहीं जगह मिल जाए, इनको पासवास मिल जाए तो आ जाए, स्वागत है। वैसे तो आएंगे नहीं क्योंकि आते तो है ही नहीं है कहीं, लोकतंत्र के किसी भी अच्छे काम में ये मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। आप इनको प्लीज बीन को प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे सब लोग, अपनी बारी में दीपक झा जी अपनी बारी में बोलेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे, म्यूट कीजिए, अपनी बारी में बोलेंगे आप। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, थैंक यू, जिससे सवाल होगा वही बोलेंगे सिर्फ, थैंक यू। दूसरा एक बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है, जिस तरह की स्थितियां रही हैं, जिस तरह का चुनाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार प्रदर्शन किया है, एनडीए पूर्ण रूप से बहुमत में आया है, सरकार बन रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा आर्टिकुलेटली कहा कि भाई सुनिए, आप अपने पिछले 2014 2019 और 2024 की तीनों साल की सीटें, तीनों चुनाव की सीटें भी मिला ले तो भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो 240 मिली है उसके बराबर नहीं बनती, 3 बार की, और खुशी इतनी मन रही है न जाने क्या कर दिया रे भाई। ऐसे हार में इतना खुश होते हुए इंसान पहली बार शायद हिंदुस्तान में दिख। फ्रीज हो गए शिवम त्यागी शायद, उस मैंडेट को सहज स्वीकार करते हैं और सम्मान के साथ एक्सेप्ट करके अगली बार उससे और ज्यादा बेहतर नतीजे लेकर आएंगे। और एक और विषय इन्होंने कहा कि देखिए मोदी जी बार बार कहते थे कि अगर 400 सीटें नहीं आई तो ये बाबरी बना देंगे,
ये मंदिर में ताला लगा देंगे, ये हमने नहीं कहा है। नरसिंह राव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि राम मंदिर जो वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और आज इनके जो वहां पर सांसद बने हैं अयोध्या में, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि ये आपने श्रीराम का जो पट्टा है ये पहना हुआ है तो मतलब क्या कहना चाहते हैं? वो कहते नहीं नहीं, हमारी विचारधारा साफ है, हम श्रीराम का पट्टा या श्रीराम का वो नहीं पहनेंगे बिल्कुल भी, हमारी विचारधारा साफ है। ये तो कोई कार्यकर्ता कोई शुक्ला करके आया था, वो गले में डालकर चला गया, इस वजह से हमने उनका सम्मान रख लिया। विचारधारा साफ है भाई आपकी, आप वही हो बाबरी मस्जिद वाले, वही बाबरी वाले हो। आवारा एक और चीज, बहुत बड़ी आर्टिकुलेटली बात है, मैं तो कहता हूं कि बड़े दिनों बाद ही सही, लेकिन इनकी घर वापसी हो गई है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की घर वापसी एक बार फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कर दी है इनको अयोध्या में जिताकर, ठीक है, फिर एक मौका दिया है, तो अगर हैसियत है तो जाओ ना, दर्शन करके आओ श्री राम का, ठीक है। दर्शन करने जाने में भी डर रहे हो क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा, और यहां बैठकर हमें भाषण दे रहे हो राम मंदिर पर। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर सरकार बना रहे हैं, और जिस तरह की तस्वीरें आई बेहद शानदार रहा, चाहे वो नीतीश जी के विषय में रहा हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी के विषय में रहा हो, चाहे वो चिराग पासवान जी के विषय में रहा हो, चाहे पवन कल्याण जी के विषय में रहा हो, बेहद शानदार। दीपक झा जी, अच्छा लग रहा है क्या? चलन जायज है दीपक झा जी, अच्छा लग रहा है कि आप अब तो आप सीनियर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं ना, पार्टी के लगभग सभी चैनल्स पर आप बैठते हैं, अच्छा लगता है कि एक दूसरे के बीच में आप बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी बारी का ध्यान रखते हैं, आप लगातार रनिंग कमेंट्री करते हैं, अच्छा लगता है। सीनियरिटी में ऐसा नहीं होता, सीनियर जो लोग होते हैं ना, जो सीनियर प्रवक्ता होते हैं वो ऐसा नहीं करते, उनके अंदर डेप्थ होती है, सीरियसनेस होती है, वो ऐसे नहीं करते, ऐसे हर किसी के बीच में कूद पड़े और हर किसी के बीच में बोले, ऐसे नहीं करते। दीपक झा जी आपको आपकी बारी में मैं बोलने का मौका दे रही हूँ, आपको आपकी बारी में। तारिक खान जी, एक सवाल जो शिवम त्यागी कर रहे हैं, अयोध्या में जीत मिल गई, बड़ा बड़ी जीत हुई है, उसकी चर्चा है चारों हलकों में और देश में भी चर्चा है अयोध्या को लेकर सबसे ज्यादा, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो जो उन्होंने कहा था अखिलेश यादव ने कि जब भगवान राम हमें मुझे बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, तो वो बुलावा अब आ चुका है या अभी भी इंतजार है? आपका टच है भगवान राम से डायरेक्ट? अगर आपका है तो जरा पूछ के बताइए। वैसे हर इंसान का अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है भगवान से, भगवान बुलाएंगे। अभी अवधेश प्रसाद पे आरोप लगाया, वीडियो दिखाएं, शिवम त्यागी वीडियो दिखाओ जब अवधेश प्रसाद ने ऐसा कहा, वीडियो दिखाओ थोड़ी देर दिखा रहा हूं, अब गिनाता हूं, सुनो, बीच में नहीं मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरा टाइम 3 मिनट टाइम शुरू होता है। जनसंघ की, जनसंघ जो आपकी चाचा पैरेंट पार्टी थी ना, पहले चुनाव में 3 सीट जीती, दूसरे चुनाव में 4 सीट जीती, फिर 14 सीट जीती, फिर 17-18 सीट जीती, फिर 10-20 सीट जीती, फिर बीजेपी बनी उसको विलय कर, फिर 2 सीट जीती, सबको जोड़ लो ना मैम, 150 में पूरे हो रहे हैं। मैम जानते हैं क्या होता है ना, अहंकार इंसान को ले डूबता है। नरेंद्र मोदी का अहंकार और बीजेपी का प्रवक्ताओं का अहंकार आज भी सर चढ़कर बोल रहा, आपका उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज घट जाए, कहा 50% वोट मिलता था 41 हो जाए, कोई बात नहीं, 6-6 मंत्री यहां से कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री 4.5 लाख से जीतते थे, 1 लाख से जीते, कोई बात नहीं, अयोध्या जाए कोई बात नहीं, हमारी जहां पर महिला बहुत ने सीटें थी 17 उनमें से 12 हम जीते, 4-5 जीते, कोई बात नहीं, ठीक है आपके लिए कोई बात नहीं, और हमें गाली दो, गुंडा कहो बदमाश कहो, जनता बदला लेगी। ये जो अवधेश प्रसाद को अभी कहा ना, ये जनता बदला लेगी, हर चीज का बदला। हमारे ऊपर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करती है मीडिया चैनलों पे बैठकर और आप जैसे लोगों के संरक्षण में, उसका बदला मीडिया चैनलों पे बैठकर कैसे अत्याचार होता है? अरे मैम ये तो, और हम जैसे लोगों के संरक्षण में, ये क्या था? मैं आज के बाद ये काम छोड़ दूंगा, और अवधेश प्रसाद का वीडियो दिखाएं जब उन्होंने कहा कि हम राम के नहीं है, दिखा, यही नाटक करके हम लोगों को ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में झगड़ा कराती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे मोदी ने कहा था कि मुसलमान तुम्हारे सब कुछ छीन कर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तारिक जी, सिग्नल ठीक कीजिए ना। ऐसे ही होता है। आप ठीक है, आप बोलिए। जब सच आता है तो आवाज ब्रेक कराई जाती है, बात ये है। अरे भाई हर चीज में इल्जाम लगाना है, ये क्या बात है, कहीं तो सोचकर इल्जाम लगाना चाहिए तारिक जी, कहीं तो सोचकर। त्यागी जी अग्निवीर को खत्म करने की बात कह रहे हैं,
चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को कहा। आज उनके राजीव राय एक बड़े नेता हैं, आज उन्होंने कहा कि हम 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ, आप ही की बात का जवाब लेती हूँ। सिर्फ दो सेकेंड। और नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ से के रथ पर खड़े होकर, टाइम्स नाउ एक रथ पर टाइम्स नाउ के एंकर से कहा, जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 4% आरक्षण जारी रहेगा। चलिए मैं जवाब लेती हूँ तारिक जी, इसी बात पर जवाब लेती हूँ, मैं लेती हूँ जवाब। लेकिन आपने जो एक कमेंट किया ना, उस पर पहले मैं ही जवाब दे दूंगा। आपने कहा कि इनके प्रवक्ताओं का जो आतंक था और इनकी जो क्या अहंकार, अभी इस शो में आपने देखा दीपक झा का अहंकार। दीपक झा चमचे चमचिया बोल रहे हैं मीडिया वालों को, हर रोज बोल रहे हैं। इसे अहंकार मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे भाई, कहा मैम, सिर्फ इतना है, अहंकार इस बात का है कि अवधेश प्रसाद का वो वीडियो ठीक है जब उन्होंने शिवम त्यागी ओके दीपक झा जी रुकी आ रही हूँ आपके पास। शिवम त्यागी पहले जवाब देंगे। शिवम त्यागी, टीडीपी का स्टैंड क्लियर है, तो क्या ये एक दबाव के तहत होगा कि मुस्लिम आरक्षण पर आपकी पार्टी का स्टैंड कुछ और है, टीडीपी का कुछ और है? यही बात तारिक जी भी कर रहे हैं। तारिक खान वैसे तो ऐसा होने नहीं देंगे अखिलेश यादव जी, तारिक जी को जाने नहीं देंगे। लेकिन अब वीडियो देखकर थोड़ी सी भी शर्म होना जरा, तो शो तो छोड़कर चले जाना, राजनीति तो क्या छोड़ो। रीमा, अब प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं। रीमा जी, श्रीमती रीमा पराशर जी, सम्मान, मैंने वो वीडियो आपके व्हाट्सएप पे इसलिए भेजा है क्योंकि मेरे यहाँ चल नहीं सकता, मैं फोन से कनेक्ट हूँ, कृपया करके इनको दिखा दीजिए, कृपया करके। देख लीजिए, एक मिनट, मत करो, रुको मत करिए। अब जाहिल कौन देख, अब देखिए जाहिल कौन अहंकार दिखा रहे, चुपे देख, जरा अभी देख, भेज दिया, अरे भेज दिया, अभी देख, पहली बात सुनिए, मैंने आपको वीडियो भेजा इसलिए। अब ये देखिए, वो अभी भी बोल रहा है लगातार, अब ये देखिए। नहीं नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा शिवम त्यागी जी, ऐसी भाषा नहीं बोली जाएगी। अच्छा ठीक है, तारिक जी वो अपने शब्द वापस ले रहे हैं अपने शब्द वापस। अरे भाई, ले रहे हैं शब्द वापस, रुकिए तो सही। अरे सुनिए तो सही, शिवम त्यागी शब्द वापस लीजिए आपने, तभी शो आगे बढ़ पाएगा ना। देखिए, ऐसे शब्द किसी के लिए नहीं, शिवम त्यागी, हम पीढ़ी है मैम, हम गाली खाते रहे। मोदी जी ने बहुत गाली दी, बीजेपी वालों ने मारा भी, हम लोगों को गाली भी दिया। मैं खा लूंगा गाली, मैम, हंसता रहूंगा यहाँ पर बैठ, ठीक है? और गाली दिल भाई। अब मैं बोल सकता हूँ, जब मेरा समय हो जाए बता दीजिए। पिछले 25 मिनट से, चाहे पहले वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो, वो लगातार बीच में बोले, अब सपा वाले इसी तरीके से उछल कूद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर हमारे अयोध्या के सांसद का कोई बयान ऐसा हो तो हमें दिखा दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा। आपको बयान भेज दिया, कृपया करके इनको दिखा दीजिए। जैसे ही इनको बोला, एकदम नाचना शुरू कर दिए। मैं अपने समय में बोल रहा हूं, मैं किसी के समय में नहीं बोल रहा हूं। जब सपा प्रवक्ता बोले, क्या मैंने एक शब्द बोला? जब दीपक झा बोले, क्या मैंने एक शब्द बोला? या फिर नेता जेडीयू ने बोला? नहीं बोला। अभी जेडीयू वालों का नंबर ही नहीं आया आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में। हम बोल नहीं रहे, विषय साफ है, ये अयोध्या के सांसद ने बोला है, वीडियो आपको भेज दिया है, वीडियो आज चलेगा, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या बोला है। ठीक है, बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस इंटैक्ट है, आप खुश रहिए, भगवान करे आपको जितनी सीटें मिली हैं इसी से आप खुश रहे। लगातार इसी तरीके से आप साल दर साल विपक्ष में आते रहे, 14 में और 19 में तो बेचारे थे ही, जिस साल में थे 24 में भी विपक्ष में पड़े रह गए। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेती हूँ राजेश जी, आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए पांच की पंचायत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं बाज की पंचायत। और राजेश जी, मैं जरा आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज जो बात कही, एक तरीके से उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया जिसको लेकर जेडीयू पर विपक्ष के लोग हंगामा बरपा कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद फिर विपक्ष की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया कि आपकी तरफ से जो अग्निवीर पर मुद्दा उठाया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया और तमाम ऐसे मुस्लिम आरक्षण और ये मुद्दे थे, इन मुद्दों पर क्या राय है और क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर प्रेशर टैक्टिक्स बनाई जाएगी, ये सवाल आज से फिर खड़ा हो गया। रीमा जी, विपक्ष के पास कोई अब मुद्दा नहीं है। जिस तरह से ये लोग हताश और निराश जिस तरह से कहता था लोग, हमारा जो है 295 आएगा और उसके बाद इन लोगों का क्या स्थिति हुआ, तो कोई बात नहीं है। आप कांग्रेस को इतना सब कुछ किए उसके बाद भी जो है 3 digit में नहीं पहुंच पाए, तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इन लोगों को ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है, अगर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सावरकर जो है देशभक्त थे, ये पता है समाजवादी पार्टी के जो लंबा लंबा प्रवक्ता दे रहे थे या आप कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्या उद्धव सावरकर को ये देशभक्त मानते हैं? अगर मानते हैं तो बोले। और अगर जो स्टालिन जिस तरह से अगर जो सनातन पर बोलते हैं, क्या इसको ये मानते हैं? ये लोग आपस की बात नहीं करेंगे, इन लोगों के बीच में क्या है ये लोग नहीं बोलेंगे। सिर्फ एनडीए में क्या हो रहा है इसके तुलना की मोदी जी ने क्या कहा, नीतीश जी, अरे हम लोग का जदयू का जो है 97 से नेचुरल अलायंस है हमारा, एक दो बार बीच में छोड़ के 2013 के बाद हम लोग सब कुछ साथ में रहे और हम लोग के बीच में जो भी है, एक नीतीश जी है जो 1990 में जो है बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में रहे हैं, वो सब नेचुरल है और हम लोग सब मिल बैठ के बात करते हैं। इन लोगों के पास कहीं कुछ नहीं है। okay. जहां तक ये लोग ये करता है, ये मीडिया पर सवाल उठाते हैं, तो मीडिया पर आते ही सबसे बड़ा इन लोगों के पास इशू नहीं है, तो एंकर से सबसे पहले ये लोग लड़ जाएंगे। हर चैनल का यही स्थिति है, कांग्रेस प्रवक्ता का यही है कि वो सब कोई अपना, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सब कोई के अंदर ये सुप्रिया सिनेट की आत्मा घुस जाती है और ये लोग उसी पर जो है डिबेट शुरू कर देता है, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं और ये बोल करके अपना जो है जितना भी है समय है वो नहीं, नहीं, ये आपको नहीं पता राहुल गांधी जी क्या, राजेश जी, ये एक रणनीति के तहत है कांग्रेस पार्टी का कि मुद्दा जो हो उससे डायवर्ट करने के लिए पहले ही एंकर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दो, रिपोर्टर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दो ताकि वो सवाल ना पूछ पाए। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे और हम रोज कांग्रेस को अपने शो में बुलाएंगे भी, भले ही वो हमें कोसता रहे, लेकिन हम बुलाएंगे और सवाल पूछेंगे जैसे हम आज कर रहे हैं। ओके दीपक झा जी, ठीक है, चलते ही आज जो है कांग्रेस के प्रवक्ता गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को दलाल कहते थे और कर रहे हैं, अब चैनल नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं, दलाल कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आता है कि इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि माफी मांगे, कैसा कैसा भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं माफी मांगना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के होता है और इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये निसंदेह इन लोगों के आपके साथ गठबंधन था वो तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, दिल्ली में हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, टूट अभी से शुरू हो गई है जिसकी तरफ इशारा हुआ था, इसकी बात कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, एनडीए में क्या हो रहा है उसकी बात कर रही है, तो इस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। आपके अपने गठबंधन में अभी से क्या हो गया 3 दिन के अंदर? देखिए, जो नेशनल डिजास्टर अलायंस के यहाँ पे दो दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, नेशनल डिजास्टर अलायंस मतलब एनडीए, इसके एक प्रवक्ता है भाजपा के, ये अभी एक प्रवक्ता को यहाँ पे गाली दे रहे थे सम्मान के सहित, अबे सुन चुप, मैं भाजपा के चमचे कहना गाली है या नहीं है, सुनिए, एंकर को चमचा कहना गाली है या नहीं है इसको क्या माना जाए, बोलूंगा नहीं, अरे भाई एंकर को चमचा कहना गाली है या नहीं है, रिपोर्टर को चमची कहना गाली है या नहीं है इसको क्या माना जाए, ये आपने कसीदे पढ़े हैं क्या तारीफ में शुरू से लेके अब तक? शिवम आप कसीदे पढ़ रहे थे तारीफ में, पत्रकार अपना धर्म निभाए तो अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांकने का ना संयम होना चाहिए हर किसी को, अब बोलने दीजिए ना रीमा जी, बोलने दे रही हूँ लेकिन आपने शुरुआत ही ऐसी बात से कर दी, अपने आप को आपने ढक कर लिया, दूसरे के ऊपर सवाल है, चलिए बोलिए, सुन लीजिए उसके बाद जब आप सवाल करिएगा।
तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को, मेरे मित्र को जाहिल गवार नहीं बोलूंगा। अगर इनको जाहिल बोलूंगा तो मैं इनको मित्र भी मानता हूँ, तो फिर वो मेरी मित्रता की तौहीन हो जाएगी। तो इसलिए मैं इनको जाहिल भी नहीं बोलूंगा, गवार भी नहीं बोलूंगा, अनपढ़ भी नहीं बोलूंगा। ये पढ़े लिखे प्रवक्ता है। भाजपाओं की रणनीति होती है कि टीवी चैनल पे जाओ, दूसरे प्रवक्ताओं को गाली दो, उनको जलील करो, बेशर्मी के साथ डील करो, क्योंकि आप मुद्दों की बात नहीं करोगे। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का नाम लिया बड़े सम्मान के साथ। भैया अब उस दुनिया में नहीं है। आपकी सरकार पिछले 10 सालों में है, 400 पार कभी नहीं हुए। राम मंदिर पे बावरी ताला नहीं लगा है। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, भाजपा के प्रलादों से नहीं बना है, समझ गए ना? भाजपा के चमचों की वजह से नहीं बना है। फिर चमचे, जिन्होंने राम के नाम फिर चमचे, फिर चमचे दीपक झा, फिर चमचे हो गए। मैंने शिवम त्यागी को भी बोला था कि लैंग्वेज का ध्यान रखें। क्या चमचा चमची चमचा चमची चल रहा है शुरू से? चलिए, ये क्या भाषा है दीपक झा? कल से आपके डिबेट पे बिल्कुल भाषा का मर्यादा होना चाहिए। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? आज क्या हो रहा है? क्योंकि आज आपको क्या कुछ, आज आपको क्या कुछ लिबर्टी मिली हुई है कि आज आप कुछ भी बोलेंगे, कल से नहीं बोलेंगे? ये क्या है? जो आज भाजपा के शब्द ने मर्यादा लांघी है, तो इनको तो इनकी जवाब में भाषा देना पड़ेगा। इस भाषा में अगर माफी मांग लेते तो हम भी माफी मांग लेते। ये तो मेरे बड़े भाई तारिक खान और शिवम त्यागी के बीच में जो चल रहा है, जरा उनको सॉर्ट आउट करने दीजिए ना। उसके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप अपनी बात कर रही है ना, चमचे चमची चमचे चमची कर रखा है आपने। आगे आगे बढ़ने दीजिए ना। चलिए ठीक है, शिवम त्यागी जवाब देंगे। ओके, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से बस नीतीश कुमार जी बिहार को स्पेशल दर्जा दिला दे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उसके लिए भी राजेश तिवारी बैठे हुए हैं, वो बोल चुके हैं दर्जा दिला दे। आपको अपने मुद्दे की बात नहीं करनी, बाकी हर किसी की बात करनी है, हर किसी के बिहाफ पर बात करनी है। तारिक खान के बिहाफ पर बात करनी है, राजेश तिवारी के बिहाफ पर बात करनी है, अपनी बात नहीं करनी। बस हर मुद्दे पे आप मेरे को टोक देती है, हर मुद्दे पे आप टोक अपनी बात नहीं करनी। देखो सब टोक देती है, थोड़ा सुनने दीजिए रीमा जी, सुनिए आप मेरी बात, सुनने नहीं, अपनी बात मत करना आप। अरे मुझे अपनी बात, 99 सीटें दिए जनता ने, अपनी भी कोई मुद्दा उठाई है ना कभी? अरे तो मैं अपना मुद्दा उठा रहा हूँ ना, बिहार की जनता को, बिहार के राज्य को। जो नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी करके आए थे, 1 लाख 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ 2, एटलीस्ट अब नीतीश कुमार के अंदर अगर इतना मादा होगा तो नीतीश कुमार जी बिहार। दीपक झा जी, कांग्रेस दफ्तर के बाहर सरकार हो गई है, लोग स्लिप ले लेकर महिलाएं खड़ी हो रही है, 1 लाख 2 1 लाख 2 1 लाख 2, एक पैसा नहीं मिल रहा उनको। लाइन लगी हुई है हर कांग्रेस दफ्तर के बाहर। वो क्या था रीमा जी, वो वादा आपने किया था ना? चलिए शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए ना जवाब, अब जवाब तो सुनिए, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, अपने वादों पे टिके हुए हैं। अरे भाई शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, सुनिए अब। थैंक यू। देखिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब आप डिबेट कर रहे हो तो जैसे मैं शांति से बैठा हूं, ऐसे ही शांति से आप भी बैठे रहते। शुरुआत आप ही ने की चमचा चमची करते करते, पहले डिबेट की शुरुआत आपने की, मैं बोला तो आप बीच में बोलने लग गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलने लग गए। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब हम यहां पर डिसिप्लिन वे में डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट कर लीजिए ना, कोई परेशानी नहीं है। और एक और चीज, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से मेरे अयोध्या के किसी एमपी ने नहीं बोला, मैंने वीडियो भेज दिया तो उन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। विषय साफ है, आप शुरुआत करोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, शायद उससे बेहतर भाषा में। मैं बिल्कुल उस चीज को लेकर डिफेंसिव नहीं हूं। दूसरी बात, जहां जो चुनाव और जो तमाम चीजें हुई है उसको लेकर जिस तरीके से ये बात कही गई है, नीतीश जी को जो ये बार बार कह रहे हैं, नीतीश जी ने आज कितना सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति दिखाया, ये देखा देश ने, सारे वीडियोस देखे किस तरीके से उन्होंने कहा। उन्होंने तो ये तक कहा कि हम तो चाह रहे थे कि आज ही शपथ ले लेते, लेकिन चलिए आप कहते हैं कि इतवार है तो इतवार सही। दूसरा एक और चीज है, मैं मानता हूं जिस तरीके से इंडिया अलायंस के हालात है, पहला ममता बनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि मैंने राहुल गांधी को थैंक यू बोलने के लिए, कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया, 2 सीटें उनको ऑफर की थी, अब देख लीजिए क्या हाल है उनका। दूसरा, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो स्थितियां बनी हैं, जो हालात रहे, हमारा अब अलायंस नहीं है। तीसरा, जिस तरह की स्थितियां रही है, अपने आप ही कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी नहीं है। भाई आप अपना देखिए, मैं तो कहता हूं अगर जनता ने आपको कंसोलिडेट कर होने के बाद अगर एक विपक्ष की अच्छी आर्टिकुलेट भूमिका निभाने के लिए मैंडेट दिया है तो कोशिश करिए कि इकट्ठा होकर लड़े। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि मैं चाहता हूं कि पिछले 10 साल में तो ऐसा नहीं हुआ कि संसद में कोई कंस्ट्रक्टिव बहस हुई हो या कोई उस तरीके का वाद विवाद हुआ, लेकिन इस बार अगर इस तरह का मैंडेट मिला है तो आइए और जनता और तमाम मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाकर संसद में बहस कीजिए। लेकिन आप तो संसद पहुंचने से पहले ही बिखरना शुरू हो गए। जिस जनता ने वोट दिया उसका सम्मान तो करिए। तो विषय साफ है, जनता के जो जिस चीजों पर आपको वोट मिला है सम्मान करिए, आइए हम तो तैयार हैं, तो हेड ऑन लेने के तैयार है, सरकार में है, काम शुरू कर रहे हैं, काम शुरू कर चुके हैं,
100 दिन का प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी पहले बना हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने सब कुछ अनाउंस कर दिया है, कल शपथ हो जाएगी। आइए, स्वागत है आपका। ठीक है तारिक जी, मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ने की जरूरत है ना, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बनने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। वही बात जो शिवम त्यागी कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि विपक्ष की एक रणनीति होती है कि अब ठीक है, सम्मान किया गया मैंडेट का, उसके बाद अब आगे बढ़ा गया, तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ने की जरूरत है ना, या अभी भी उन्हीं मुद्दों पर अटके रहना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपसे उम्मीद है कि पक्षपात नहीं होगा। ये देखिए नरेंद्र मोदी साहब का वीडियो, जब उन्होंने कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा, मैंने प्रूफ दे दिया मेरा काम पूरा, और बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे गाली दी, उसके बाद वो माफी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे नरेंद्र मोदी साहब मंचों से मुसलमानों को गाली देते हैं, उसके बाद नीचे आकर कहते हैं ये पसमंदा है मेरा भाई, आ पसमंदा मैं जो तुझे गले लगा लूं, आ दानिश आजाद अंसारी मैं तुझे गले लगा। ठीक, क्योंकि ये सीधे अपने नेता से ही है, इनका नेता भी गाली देता है और माफी नहीं मांगता, ये भी गाली देगी माफी नहीं मांगेंगे। आपके चैनल पे डीडी नेशनल पे कोई बात नहीं, मैं गरीब भी हूं, मैं पीडीए भी हूं, मुझे गाली दे लो सुन लूंगा, जनता जवाब तुम्हें देगी जैसे अभी दिया। पहली बात, अच्छा बीजेपी के जितने हारे हुए सांसद हैं जाकर शिकायत किए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से चौधरी साहब से कि भीतर झट हुआ है इसलिए हारे हैं। संजीव बलियान कह रहे हैं कि संगीत सोन ने मुझे खुलेआम मेरा विरोध किया और मुझे हरा दिया। आपके अंदर भीतर बात नहीं है, मैं मानता हूं हमारे अंदर आपस में विरोधाभास है, मानता हूं, बीजेपी में बिल्कुल नहीं है, बीजेपी में एकदम नहीं है, सब बिल्कुल मिले हुए, रोज गले मिलते, कहते शाबाश जिंदाबाद, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक मिलकर करेंगे। ये मैम सब जगह होता है, हमें क्यों पॉइंट आउट किया जाता है? इनका पॉइंट आउट करके क्या, देवरिया बलिया न जाने कितनी सीट अंदर ही भीतर से हट गए, और जो हारे हुए सांसद है लिख के दिया विधायकों का नाम उन्होंने, तारिक जी बीजेपी में भीतर घात हुई किस वजह से हारे, उसका मंथन चिंतन चलेगा, चलना भी चाहिए, हर राज्य का होना चाहिए, हर राज्य का होना चाहिए, उसके लिए बीजेपी का वो इंटरनल मैटर है, उसमें भी समाजवादी पार्टी का कोई दखल है? तो ऐसे ऐसे जो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, वो हम लोगों का इंटरनल मैटर है। आपसे मतलब, आप करिए मतलब सवाल पूछिए शिवम त्यागी से, क्या मतलब भाई, अपने घर खुश रहो, देखो तुमसे मतलब, हम लड़े मरे दूसरे को उल्टा सीधा कहें, अगले दिन घर नहीं जाए, आपसे मतलब, जब हमारे घर की लाइट दिखोगे तो हम भी जाके आपके बर्तन को खंगा लेंगे, क्या बना कितना लगे, हम हमारी भी बात नहीं करेंगे, फिर गाली तो हम लोगों को गाली भी सुन लेंगे मैम, क्या करेंगे, गरीब लोग हैं। अरे सर आप बार बार वही बात करो, तारिक जी अच्छा ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं एक और, अरे भाई आगे बढ़ाते हैं ना, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री को जो ईवीएम पर बोलना पड़ा कि आरजेडी ने धमकी दी चुनाव नतीजों से एक दिन पहले, आप ही के एलआई ने धमकी दी ना, रिश्तेदार भी है एलआई भी है, उन्होंने धमकी दी कि कल अगर हमारे पक्ष में नतीजे नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है, एक ने तो वीडियो डाल दिया खून की नदियां ही बह जाएंगी। चुनाव आयुक्त कल राजघाट पर गए और वहां जाकर उन्होंने एक तरीके से महात्मा गांधी जी की को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, और ये भी कहा कि कम से कम चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल आप लोग खड़े करते थे अब तो हकीकत हो गई ना, अगर चुनाव आयोग बायस्ड होता, ईवीएम बायस्ड होती तो फिर ये नतीजे नहीं होते, तो कम से कम इस बात को लेकर तो शर्मिंदगी होनी चाहिए ना तारिक जी की, संवैधानिक संस्थाओं पर अब सवाल उठाना बंद किया जाए। हम में और बीजेपी में एक ही फर्क है मैम, हम जहां गलत होते हैं उसको स्वीकार करते हैं। ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया गया था, चुनाव आयोग पे और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे सवाल उठाया गया था, ये कहा गया था कि डीएम गड़बड़ी कर सकते, अखिलेश जी ने कहा था कि डीएम गड़बड़ी कर सकते हैं, और जब डीएम गड़बड़ी करेंगे तो ईवीएम भी गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ईवीएम इज नॉट अ ह्यूमन बॉडी, डीएम इज अ ह्यूमन बॉडी, एंड वी कैन नॉट गिव इंस्ट्रक्शन टू ईवीएम बट वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू डीएम, दैट्स व्हाट ही सेड, और उन्होंने वो बात कही थी। हम चुनाव आयोग का आज की डेट में कह रहे हैं धन्यवाद करते हैं, क्यों धन्यवाद, क्योंकि मैम अगर हम सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग ने क्लियरिफाई करा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अब वो राजघाट जाए, चुनाव आयोग शायरी करे, वो उनका मकसद है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटती हूं, आ रही हूं तारिक जी आपके पास, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते रहेंगे, आप देखते रहिए पांच की पंचायत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद, MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH, MDH. नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस।
क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। तो DD News पर आप देख रहे हैं पांच की पंचायत और दीपक झा जी, मैं अब एक एक करके आप सबसे सवाल लूंगी, क्योंकि जो बात तारिक खान जी उठा रहे हैं वही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि चुनाव आयुक्त ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने ये बात कही थी, आज प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही कि जब हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, कहीं पर भी या दिल्ली में भी मैंडेट आता है ऑपोजिशन, जो अभी ऑपोजिशन है उनके पक्ष में, तब EVM दोषी नहीं होती, चुनाव आयुक्त दोषी नहीं होते, चुनाव आयोग भी BJP का एजेंट नहीं होता। लेकिन इस बार ऐसा माहौल देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई जो कि अभी तक हो रही है, मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी हो रही है वो, तो ये क्या आपको लगता है लोकतंत्र में ठीक है, क्योंकि संविधान की कॉपी अभी भी हाथ में है राहुल गांधी के? देखिए संविधान की बात जब आप करते हैं ना तो सारी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पे थे, जनता सड़क पे थी, राहुल गांधी के कार्यकर्ता सड़क पे थे, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता सड़क पे थे, वो सख्त रूप से स्ट्रॉन्ग रूम के आस पास थे, इर्द गिर्द थे। और जैसा अभी मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा कि EVM में कोई हाथ पैर नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता, वहां पे उसको मैनुपुलेट किया जाता है, उसको मैनुपुलेशन का आदेश दिया जाता है चुनाव आयोग से, DM से, भाजपा कार्यालय से। अगर वो नहीं हो पाया, जनता वहां पे डंडा लेके बैठी थी कि कोई आएगा तो उनको पिटाई करके भगा दिया जाएगा। देखा, मतलब धमकी की वजह से ऐसा नहीं हुआ जो धमकी दी गई थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, इसलिए चुनाव आयोग डर गए, उन्होंने EVM में छेड़खानी नहीं की। कहने का मतलब ये है कि जनता, तो देखिए आपको दिया गया नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना कि जनता पीट देती है इसलिए EVM के साथ छेड़खानी नहीं हुई, तो क्या BJP के पास कार्यकर्ता नहीं है क्या, उसका कार्डर नहीं है पीटने के लिए? फिर थप्पड़ कार्ड तो हो रहे हैं ना, जवाब नहीं देंगे क्या BJP वाले? आपको ऐसा लगता है वो पिट के आ जाएंगे? अब देखिए देश की बेटियां देश की बेटियों को पिट रही हैं, कोई 100 रुपए वाला बोलता। अरे फिर घुमा दी बात आपने दीपक जा, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ पहुँच जाते हैं? अरे मैडम सुन तो, अब देश की बेटे बेटियों के ऊपर आ गए आप, मैं कहाँ थी वहां से आपने कहाँ पहुंचा दिया? अरे सुनिए रीमा जी, आपने पिटने पिटाने की बात, हमने तो नहीं कहा, आपने कहा कि देश की जनता उनको पीटती, तो मैं ये कह रही हूँ भाई BJP के भी तो कार्यकर्ता है ना, वो भी तो बूथ पर खड़े हुए थे, उनको पीट देते आप और वो चुपचाप पिट के आ जाते, पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पर? सुनिए सुनिए मैडम, जो चोरी करेगा, जो बेईमानी करेगा, जनता के, जनता खड़ी हुई है, जनता के सामने अगर कोई लेके भागेगा, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, ट्रकों में भर भर के शिवम त्यागी जवाब देंगे, ओके पकड़ी गई, ओके पिटाई हुई है शिवम त्यागी, चोरी का रास्ता बंद हो गया, सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो ये डर की वजह से बेसिकली EVM जो है वो हैक नहीं हुई, EVM में कुछ छेड़खानी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के, अखिलेश यादव की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर था कि वो पीट देंगे। रीमा जी एक राष्ट्रीय पार्टी का चरित्र देखिए, मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला था ताकि मुझे समय दिया जाए कि इस देश में अगर किसी एक सांसद पर, किसी बेटी पर कोई हमला करता है सिक्योरिटी पर्सनल, तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं फिर कहता हूं कि बेशर्मी की वो पार नहीं की जानी चाहिए। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और इसी तरीके से खोए हैं कमोबेश, वो भी बेटी थी इस देश की, प्रधानमंत्री भी थी और ये भी बेटी। प्लीज आप रीमा जी आप इनको रोकेंगे, प्लीज आप इनको रोकेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने कहा ना प्लीज आप इनको रोकेंगे रीमा जी, दिस इज रॉन्ग, मैं बीच में नहीं बोला, दिस इज रॉन्ग, मेरी आवाज क्या तरीका है, दिस इज रॉन्ग, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, म्यूट कर देना बिल्कुल मेरा अधिकार है, क्योंकि इस शो को मैं होस्ट कर रही हूँ और इस शो को होस्ट करने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर सामंजस्य बना करके एक एक इंसान से, एक एक प्रवक्ता से बात करूं। अगर कोई किसी के बीच में कूद पड़े अपनी बारी के अलावा, तो उसको रोकना मेरी ही जिम्मेवारी है ना, आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी तो आप निभा नहीं रहे। अब मैंने शिवम त्यागी से जवाब मांगा तो भी आपको बोलना है, शिवम त्यागी थैंक यू। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह की घटनाएं, देश की प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ हुआ है, मैं मानता हूं कम से कम इस तरीके तो हुलिगनिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। आपको तारीफ करनी है, सपोर्ट करना है, जो करना है करिए,
लेकिन इस तरह के कृत्य को कभी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां एक बेटी थी आज कल वहां किसी और की बेटी हो सकती है, परसों हमारी बेटी हो सकती है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, सब पब्लिक लाइफ में है। लेकिन इसका यह आधार नहीं है कि अगर आपको किसी से नाराजगी है, गुस्सा है, नफरत है तो आप उसको थप्पड़ मारेंगे। अगर पिस्टल होता तो गोली मार दी जाती, फिर क्या होता? मैं मानता हूं ये नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरी बात, ईवीएम का जहां तक विषय है, पिछले 10 साल में पहली बार इनके कार्यकर्ता सड़क पर थे और पहली बार ईवीएम की इज्जत बची है, वरना पिछले 10 साल में एक बार भी ये बेचारे नहीं बचा पाए। दिल्ली में 2 बार जीत गए, कर्नाटक में जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, कितनी जगह जीते। और अगर मैं इंडिया अलायंस की पूरे की बात करूं तो तमिलनाडु में जीत गए, लेकिन कल ही बस ईवीएम ठीक चल रहा था, बाकी तो ईवीएम ठीक कभी चला ही नहीं इस देश में। मैं फिर से कहता हूं, इतनी बेशर्मी भी उचित नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज हुई है कि इस देश की राजनीति में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईवीएम को लगातार डिस्क्रेडिट कर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जाता था, उनके लिए उनके ऊपर हमेशा के लिए टेप लग गई है। कल कुछ नहीं हुआ, शांति से जैसे पहले चुनाव जीते जाते थे, लड़े जाते थे, ऐसे ही पिछली बार लड़ा गया 2024 का, और उसमें हमारी जरा सीटें कुछ कम आई और इनकी ज्यादा आई, तो ईवीएम बहुत शानदार काम कर रहा है, ये देश देख रहा है और देश की जनता इस बात को समझती है। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, खुशी मनाने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं को। जिस तरीके से आज ढोल बज रहा था पुराने संसद में, बेहद खुशी वाला माहौल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया। 5 साल ये लोग मेहनत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 साल बाद तो कम से कम कांग्रेस पार्टी 100 पार कर ही लेगी, और पूरी उम्मीद है कि समाजवादी भी शायद है किसी अच्छे स्तर पर पहुंच जाए। ओके, कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक जाओ? जी बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ रीमा जी, उम्मीद है कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। बात है कि हमने आपने कहा कि पीटने की बात, धमकी देने की बात, भाजपा प्रवक्ता ने इसको कल के कांड से कैसे जोड़ दिया, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है भाई। हम लोग तो हमेशा निंदा करते, मैंने कल ट्वीट भी किया था, थप्पड़ की बात आपने कही थी ना, आपने कहा ना कल थप्पड़ पड़ा है, ये किसने कहा? मैंने कहा, मैंने कहा कि बेटे बेटियां भी पीट रहे हैं अब तो। आपने कहा कल थप्पड़ पड़ा है, आपने ये कहा ना? सुनिए, मैंने कहा अब तो रिमाइंड करवाऊं इस शो को, थप्पड़ की बात आपने की थी, करा दीजिए। और जिसने और कल से आपके नेता जो हैं वो लगातार डिफेंड कर रहे हैं उस सुरक्षा कर्मी को जिसने थप्पड़ मारा, रागिनी नायक का भी आप देख लीजिए पोस्ट और तमाम नेताओं के पोस्ट देख लीजिए, बहुत ही शर्मनाक लग रहा है। मैंने कहा कि सांसद को थप्पड़ मारना घोर और कड़ा निंदा की बात है, मैं तो ऐसी बात करूंगा। लेकिन दूसरी बात, वही सांसद महोदया मंडी के चुनाव में कह रहे थे जब एक हरियाणवी थप्पड़ पड़ेगा, जब हिमाचली थप्पड़ पड़ेगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा, चिंटू पिंटू, ए उनके शब्द है, वीडियो भी कहिएगा तो मैं भेज देता हूँ आपको, और ये वीडियो भी आप चला दीजिएगा। तो जिन्होंने थप्पड़ की राजनीति करी थी, जिन्होंने थप्पड़ चलाने की बात करी थी, थप्पड़ उन्हीं के गाल पे पड़ गया है, तो ये बहुत ही घोर विषय है, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। दीपक झा जी, चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कहते हैं, कैंपेन में आपकी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत सारी बातें कही, बीजेपी के नेताओं ने भी बहुत सारी बातें कही, समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारी बातें कही, अब चुनाव खत्म हुआ, नैरेटिव खत्म हुआ, अब आगे की बात, लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही खेदजनक है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, ब्रेक के बाद तारिक जी और शिवम जी आपके पास आ रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहे 5 की बजाय। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया, नहीं मिर्ची धनिया हल्दी, MDH। Your gravity in physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. चलिए आगे बढ़ते हैं, शिवम त्यागी और उसके बाद तारिक जी, मैं फाइनल कमेंट अब सबसे लूंगी। शिवम जी जल्दी से जवाब दीजिए। थैंक यू। ये जो कह रहे हैं कि हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं, ये दीपक झा की, यानी कि ये जो प्रवक्ता है, इन्हीं की फेसबुक वॉल से पढ़ देता हूं।
माँ की शान होती है बेटियां, ऐसी बेटियां लाखों रुपए देकर पर्दे की लक्ष्मी बाई तो कोई भी बनता बन जाता है। आज इस माँ का सीना गौरवान्वित कर दिया भारत की बेटी ने, जो खुद पैसे लेकर एक्टिंग करती है उसे सब 100 रुपए वाले ही लगेंगे। कानूनी तौर पर सही गलत तो कानून तय करे। किसका किसका ऑफिशियल हैंडल है ये? इस बेटी को सलाम, दीपक झा जो आपके साथ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं अभी, इस बेटी को सलाम, इस बेटी को सलाम। वही महिला सांसद जिसको, वही जिसने महिला सांसद को थप्पड़ मारा है उसी का वीडियो है ये देखिए। इस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल लिखा हुआ है, दिखाइए एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। शिवम त्यागी क्या पोस्ट है, दिखाइए। अभी तो शिवम त्यागी का वीडियो नहीं चढ़ा था मोबाइल, ये रहा वीडियो, नहीं नहीं वो वीडियो भी भेज दिया है रीमा जी को, ये रहा वीडियो। मैंने वही कहा था, और वीडियो के नीचे क्या लिखा है ये भी पढ़ ले दिया पूरे देश ने। माँ की शान होती है बेटियां, ऐसे लाखों रुपए देकर पर्दे की लक्ष्मी बाई तो कोई भी बन जाता है। आज इस माँ का सीना गौरवान्वित किया भारत माँ की बेटी ने, जो खुद पैसे लेकर एक्टिंग करती है उसे सब 100 रुपए वाले ही लगेंगे। कानूनी दीपक झा जी आप इसको झुटलाएंगे आप क्या? इस बेटी को सलाम, मैंने उसमें लिखा हुआ है, मैंने झुटलाएंगे आप इसको दीपक झा जी? फिर वही बात याद आती है ना, एक सुरक्षाकर्मी के हाथों पूर्व प्रधानमंत्री, दो दो पूर्व प्रधानमंत्री, पहले आप ही की पार्टी की इंदिरा गांधी, उनको सुरक्षाकर्मी की ने शहीद किया, और दूसरी तरफ राजीव गांधी जिनके साथ भी बहुत सारे सुरक्षाकर्मी थे। ये आपको सही लग रहा है आपकी पोस्ट? आप देखिए ये अपमान है या सम्मान है? अब सुनिए बात, सुनिए, इन्होंने किसानों को गालियां दिया, किसानों को 2 करोड़ का कहा, आपने उस सुरक्षा कर्मी की तारीफ की, और सुने जय जवान जय किसान का नारा, क्या एक तरीके से देश में परंपरा लगा रहे हैं? इन्होंने किसानों को क्या परंपरा, ये ऑफिशियल लाइन है क्या दीपक झा आपकी पार्टी की? सुनिए मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए, उस बात को समझिए। शिवम त्यागी का आप ही की पोस्ट है दीपक झा, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनेंगे आप नहीं सुनेंगे, यहाँ भी बोलने नहीं देगी। मैंने कहा कानून अपना कार्यवाही करे, कानून कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, सही है या गलत है कोर्ट निर्णय करेगा, उसको अरेस्ट करे अगर आपका कानून है तो। देश में अगर आपका कानून है तो भाजपा की तरफ से, अगर आपका कानून है तो किसान के नाम पे, अगर आपका कानून है तो अरेस्ट करे। ये क्या आपने बयान दिया? कानून अरेस्ट करेगा, मतलब आप कानून पर भी सवाल है, मतलब अदालत पर भी सवाल है? पहले आपने ऐसी पोस्ट की, उसके बाद अब आप कह रहे हैं अगर आपका कानून है तो उसे गिरफ्तार करें। ये कांग्रेस पार्टी तो कहां लेकर जा रही है देश को? दीपक झा जी ऑफिशियल प्रवक्ता ये बात ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, ऑन एयर बोल रहे हैं, आपके पास है समय, सुनिए मेरी बात। मतलब कुछ वोट बैंक के लिए आप कहां से कहां पहुंचा रहे हैं देश को? नहीं दीपक झा, और फिर आप कहेंगे चमचे चमचियां, आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो सुनिएंगे नहीं। भाजपा मैंने सब सुन लिया, एक एक बात आपकी सुनाई दे रही है। जल्दी से फाइनल कमेंट शिवम जी और उसके बाद तारिक खान जी से हम करूंगी। थैंक यू, मुझे मौका दें प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोला है, लगातार चिल्ला रहे हैं, ये गलत बात है। रीमा जी दिस इज रॉन्ग, प्लीज आप इनको रोकिए, कोई लाभ है लगातार बोल रहे थे, मैं इनके बीच में नहीं, बड़े बड़े रोल प्लीज आप इनको रोकिए, आपको दूसरे भी बोलना शुरू हो गए प्लीज मुझे आके डाल रहे हैं। अब आप फिर बोलते हैं कि मैं बीच में बोलते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। देखिए मेरा रिक्वेस्ट है मुझे बोलने का, दीपक झा जी एक क्षण शांत रहिए, अब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो, बोलिए। थैंक यू। एक और पोस्ट इन्होंने जो की हुई है, एक किसान की बेटी ने मोदी जी की बेटी का स्वागत कर दिया, कंगना की मां को सीधी सीधी गाली दे रहे हैं, कुछ शर्म है नहीं है थोड़ी बहुत भी? जो पार्टी राजीव गांधी से तो जो पार्टी की देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, जो राजीव गांधी, रीमा जी रोक दीजिए इनको, मैं नहीं राजीव जी प्लीज आप रोक दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप इनको रोकिए, दिस इज रॉन्ग। चलिए मेरे पास समय नहीं है, आप दोनों नहीं 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 दीपक झा, मुझे बहुत शर्म के साथ इस शो को खत्म करना पड़ा, तारिक जी सॉरी, इस लड़ाई में आपके पास में समय नहीं दे पाया, फाइनल कमेंट आपका मैं लेना चाहती थी लेकिन अब वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए शो की शुरुआत हमने एक पॉजिटिव नोट के साथ की थी कि किस तरह से अब मोदी 3.0 उसकी शुरुआत होने जा रही है। एक दिन बाकी है, रविवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और सरकार का गठन होगा। लेकिन इस बीच शो का अंत होते होते जो सवाल खड़ा हुआ है वो ये कि आखिर कुछ वोट बैंक के लिए, कुछ राजनीति के लिए देश को कहां पहुंचाने की कोशिश है? एक सुरक्षाकर्मी
जिसने इस तरह की शर्मनाक हरकत की, एक सांसद, एक महिला या किसी के ऊपर भी, सुरक्षा कर्मी का काम होता है सुरक्षा देना, सुरक्षा में सेंध लगाना नहीं। दो दो प्रधानमंत्री इसी बात पर बलि चढ़े हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अगर कसीदे पढ़ रही हो उस सुरक्षा कर्मी के लिए, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये आप ही जरा तय कीजिए। आज पांच की पंचायत में इतना ही, सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।